राशिद अल्वी साहब, कैसे हैं सर आप? आज तो आपको बड़ा मजा आया होगा भाषण देखकर। देखिए, सवाल मजे का नहीं है, सवाल देश का है। कांग्रेस पार्टी ने आज ये बता दिया कि हम रिवेंजफुल नहीं है, हमारे दिल में नफरत नहीं है। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम देश की समस्याओं की बात करते हैं। हम अगर बोलते हैं तो समस्याओं को लेकर बोलते हैं, जातियात पे नहीं बोलते हैं। मोदी जी से हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है। हमारी अगर लड़ाई है तो ये लड़ाई है कि देश के लोकतंत्र का खतरा है। हमारी लड़ाई है तो ये लड़ाई है, किसान परेशान है। हमारी लड़ाई है तो ये लड़ाई है कि कीमतें आसमान। राशिद अल्वी साहब, मैं माफी चाहती हूँ, पर राहुल गांधी ने आंख मार के और वो झप्पी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ देर के लिए इसको हावी कर दिया। मतलब हाँ, आप कह रहे हैं जो मुद्दे बहुत अहम है, ये देश की बात है, आई अंडरस्टैंड, और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के बारे में राशिद अल्वी साहब, आज आपको भी कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, आपको यकीन हुआ कि वो ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, आपस में बैठ के कौन सी बात हुई और कैसे, किस बात पे उन्होंने ये किया है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो गए बैठे, किसी ने कुछ जुमला कहा, उसका जवाब वो दे रहे हैं। उसको इस बात से क्यों जोड़ते हैं आप? राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, राहुल गांधी का जो दिल की बात थी, राहुल गांधी ने जो कहा कि मेरे दिल में जरा सी भी नफरत नहीं है, और उसको मैं साबित कर रहा हूँ। खुद उठ के गए, जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे सर, हम तो कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन, बहुत शानदार उनका भाषण था। जिस तरीके से आज फ्राइडे पे हर कोई इंतजार कर रहा था सर, वो 38 मिनट राहुल गांधी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, और आज बिल्कुल बदले अंदाज उनके नजर आए। आप माने या ना माने राशिद अल्वी साहब, या आप ऑन एयर माने या ना माने, देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक शानदार तकरीर की, और जो मकसद था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार को गिरा दिया जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मकसद होता है कि देश को सरकार के हालात से आगाह किया जाए। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और विपक्ष ये बताता है कि आपकी क्या कमियां हैं। राहुल गांधी उसमें कामयाब हुए, और राहुल गांधी ने ये भी साबित किया कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो नफरत की आवाज नहीं है, वो देश की आवाज है। अगर नफरत से बोलते तो जाके नरेंद्र मोदी जी से गले नहीं मिलते, तो इसलिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि ये कि एक छोटा सा वाकया कुछ हो गया उससे उसे जोड़ के देखा जाए।